प्रगतिवादी और गांधी शांति प्रतिष्ठान मिलित आनुकूल्य पालित हो आजादी का अमृत महोत्सव देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन करने को अगस्ट 9 अगस्ट 15 जाए यह उत्सव पालन कर प्रगतिवादी गांधी शांति प्रतिष्ठान अध्यक्ष जस्टिस मनोरंजन महांती सभापतित्व आयोजित एक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण और समपाय मंत्री अतनु सबसाची मुख्य वक्ता भाव उत्कल गांधी स्मारकी निधि सभापति कृष्ण महांती जोगदे गांधीजी स्मृतिचारण करने 75 वर्षर स्वाधीनतार भारतीय नारी शीर्षक विषय वस्तु आलोचना करते महिला शिक्षित हेले भारत विकास सुनिश्चित बोली प्रति प्रगतिवाद संपादक विरूपक्ष त्रिपाठी स्वागत भाषण में कही अवसर में प्रगतिवादी स्वतंत्र विशेषांक उन्मोचन करसत ओडिशा रे स्वाधीनता संग्राम रे गांधीजी सहित देशपाय लड़ी शहीद होता स्वाधीनता संग्रामी परिवार सदस्य को प्रगतिवाद अध्यक्ष शाश्वती बल संवर्धना प्रदान करते आज विषयवस्तु 75 वर्ष नारी भूमिका कौन अच्छी आरंभ करुच्ची माँ रमादेवी आरंभ कर अन्नपूर्णा महाराण आरंभ कर सरोजिनी नायडू एवं आज राष्ट्रपति जी होती महामहिम राष्ट्रपति आमर द्रौपदी मुर्मू पर्यंत निश्चित भाव में आम आगे जाइ किंतु से जो स्वाधीनता लब्ध जो स्वाधीनता आम पाइचु से जो संग्राम फल कि भाव में ठिकना भाव रखू से चिंता चेतना आम भितर रहा आज दिन संकल्प देश में सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन भितर जो स्थिति 75 वर्ष पर पहुँची अच्छी देश से ही विषय आलोचना करने को प्रत्येक दिन जने जने वक्ता अण राजनीत व्यक्ति गवेषक लेखकों को आम शिक्षाविद को डाकिछु से विषय उपर अर्थनीति हो सामाजिक स्थिति हो राजनीतिक विचारधारा हो से विषय आलोचना करेंगे। आज आप देखिले गांधी उत्कल गांधी स्मारक निधि सभापति विशिष्ट गांधीवादी नेत्री कृष्णा महांती जे कि 75 वर्ष स्वाधीनता रे भारतीय नारी शीर्षक वक्तव्य रखिले अन्य अतिथि माने मध्य कहिले महिला मानकर जागरण केमिति घटी महामहिम राष्ट्रपति पदरे आज आम ओडिया झियो जने ओडिया सुपुत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसीन होती से कथा आलोचना है अनुरोध ये रखाला जे महोत्सव आरंभ से भारत वर्ष को निशामुक्त करूँ जो थे महिला मानकर मर्यादा रक्षा हो प्रगतिवादी प्रतिष्ठाता प्रद्युम्न बल जन सालिश विहीन राजनेता और सांबादिक आरंभ प्रगतिवादी निजक निरपेक्ष संवादपत्र बोलिकी घोषित कर सबु क्षेत्र में सबु समय देशर सार्वभौमत्व धर्मनिरपेक्षता और देश में सामानता प्रगतिवादी तार आभिमुख्य बजाय रखी।